नमस्कार सभी को। रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करमनासा नदी को। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस करमनासा नदी को एक अशुभ नदी माना जाता है। और राज्यों की शोक नदियों से संबंधित प्रश्न टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जाकर के ले लीजिए। नेक्स्ट है, मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह। और ये क्वेश्चन घुमाकर भी आता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच, इंग्लिश में इन्हें एस्ट्रॉयड कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन, बिजली की चमक, आंधी तूफान, वर्षा, हिमपात जैसी मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मांड वर्ष होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं, जिसका तापमान लगभग 5700 केल्विन के आसपास होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए, साइरस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह, और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरियन नेबुला। ये सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए हैं, पहले भी ये क्वेश्चन हम आपको अच्छे से समझा करके प्रोवाइड करा चुके हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रहों की गति का नियम ऑप्शन सी, केपलर ने कहा था, और उन्होंने सूर्य को केंद्र मानकर ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं ये कहा था। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट, डोलेमाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी आग्नेय चट्टान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के पृथ्वी तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे आत्पन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इंसोलवेंट कहते हैं, जो कि सूर्य ताप अथवा सूर्य पृथ्वी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक विकिरण द्वारा आती हैं, तो ये सूर्यपात ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल की उपस्थिति के कारण। और सभी आठ ग्रह में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बियर रीफ निम्नलिखित में से किस महासागर में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। नेक्स्ट है, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन ए, अवशिष्ट पर्वत हैं। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े हिमनद का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व के सबसे बड़े हिमनद का नाम बियर्ड मोर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालसन। नेक्स्ट है, कैटम्बरी घास के मैदान कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटम्बरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में हैं, और विश्व के सभी प्रमुख घास के स्थल और मैदान, ये वाले नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, टेलीग्राम से जाकर के ले लीजिए। नेक्स्ट है, खड़िया मिट्टी, सैल खड़ी, नमक की चट्टान, गोलासम आदि किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, एटना और स्ट्रामबेली किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुंह से हमेशा धूल, कण अथवा धुएं निकलते रहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जार्डन नदी एक ऐसी नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती, और यह पश्चिमी एशिया की एक नदी है। नेक्स्ट है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन नदी।
और विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी लंबी नदी नील नदी है जो कि 6600 किलोमीटर है, लेकिन सेकंड स्थान पर लंबाई में अमेजन नदी आती है जो कि 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का सो किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, असम का सो किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक नदी कहते हैं। और इन्हें शोक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस राज्य में किसी न किसी प्रकार से तबाही लेकर के आती हैं, जैसे बाढ़ के द्वारा तबाही लेके आना। तो ये कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये और लोगों तक भी नोट्स पहुंच सकें। और इससे पिछले सारे प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिल जाएंगे, आप जाकर के ले लीजिए, इनकी प्लेलिस्ट बना देंगे। ये रिविजन के लिए आपको लगभग 1000 क्वेश्चन फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और हमारे बाकी के सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कीजिए ताकि नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुंचते रहें। धन्यवाद।